पागल पागल है यार लोड़ा था, कहीं भी मूत देता है भैंस चोत चूतिए। अच्छा बड़े गाड़ी में मार मत, इसकी पप्पी ले, मेरी पप्पी लेगा झार तो गले झार की झार मेरी मेरी मातर तो मेरी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस इज निखिल जोदानी। स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। भाई नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं, अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज रहा है। बाकी मम्मी देख रही है कि कितना झूठ बोल रहा है सारा, नहाया वाया हूँ नहीं। सो भाई यार नहाने का मन नहीं कर रहा, ना जाने क्यों भी नहाने जाना है, बट उसके पहले यार मैं सोच रहा हूँ बी एड सेट कराऊँ अभी, बट अभी कराऊँगा तो मेरे को जिम जाने में लेट हो जाएगा, और जिम जाने में लेट हो जाएगा तो फिर मेरे को 8:30 तक एक काम रहता है, 1 घंटे 1.5 घंटे का जाना पड़ता है, पापा का काम निपटाऊंगा तो फिर जिम गए, जल्दी जल्दी वर्कआउट करना पड़ेगा जो मुझसे नहीं होगा, मुझे आराम से वर्कआउट करना है अच्छे से। और तुम्हारे भाई ने चालू कर दिया फैट लॉस, उसके लिए फुल डे ऑफ ईटिंग। भाई नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रॉब्लमली 99% नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा फुल डे ऑफ ईटिंग में क्या खा रहा हूँ। कैलोरी डेफिशिएट में गया हूँ मैं कम से कम 2-2.5 साल बाद, क्योंकि भाई पहले रहता था मैं एकदम कट एब्स एब्स के फुल शेप में रहता था, बट उस बाकी 2-2.5 साल से ऐसे बल्किंग, कभी कुछ पावर लिफ्टिंग कर रहे हो तो डाइट पे इतनी ध्यान नहीं चल रही थी, बट अभी कैलोरी डेफिशिएट पे जा चुका हूँ तो कैलोरी कम कर दिया हूँ अपनी। सो आज जिम जाएंगे, आज लगाएंगे शोल्डर और ट्राइसेप, कल लगाया था मैंने चेस्ट और बाइसेप एक हफ्ता जो तबीयत खराब थी, सो उसके बाद वर्कआउट कल से स्टार्ट किया, इतना सेक्सी वर्कआउट किया ना कल मैंने, इतना सेक्सी, मनु साथ में था उससे पूछवा दूंगा क्या पंप है अभी भी चेस्ट और बाइसेप में। आज लगाएंगे शोल्डर ट्राइसेप, और मैं क्या लगाऊंगा कितने जो स्प्लिट रहेगा मेरा वो भी बताऊंगा, कि मैं 6 वीक्स का स्प्लिट रहता है मेरा जो भी रहता है, मैं हमेशा चेंज करता हूँ तो 6 हफ्ते के बाद करता हूँ या 2 महीने के बाद करता हूँ 8 वीक के बाद, तो जो करूँगा वो भी बताऊँगा अपने भाई लोग को, जिन जिनको इंटरेस्ट है वो लोग करेंगे, बाकी बकचोदी तो आती रहेगी, थोड़ा बहुत जिम में भी ध्यान दो, तुम लोग भी ध्यान दो भाई, फिजिक अच्छा बनाओ अच्छा खाओ, बाकी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अभी जाता हूँ नहाने, बी एड कराएंगे सेट कल या तो रात को कराएंगे, ठीक है, तो अभी जाता हूँ नहाने, नहा के मिलता हूँ तुम लोग से, चलो। और भाई लोग ये बाकी कैमरा काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ा है, मैंने गोवा का सिर्फ एक ही ब्लॉग इससे शूट किया, बाकी सारे मैंने फ़ोन से किया, और मैं अभी फ़ोन से ही पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, बट जब कैमरा नहीं था तो भाई को बोलता भाई मेरे को कैमरा चाहिए कैमरा चाहिए कैमरा चाहिए, अब कैमरा नहीं है तो भाई भी बोलता भाई यूज़ तो कर नहीं रहा है क्या कर रहा है, तो मेरे दोस्तों में भी सोच रहा हूँ कि इसको दे दूँ, बट कोई कंटेंट क्रिएटर इतना है नहीं जो बार बार कंटेंट बनाए, ज़्यादातर मेरे ही अंदर ही चूल है कंटेंट बनाने की। सो तुम भाइयों में जिसको चाहिए ये 40,000 का कैमरा गिव अवे लेके जाओ, कमेंट करो अच्छे अच्छे जो मेरे को पसंद आएगा मैं उसको गिव अवे कर दूंगा, तुम लोग कंटेंट बनाओ तुम भाई लोग। चलो भाई हो गया तुम्हारा भाई रेडी फटाफट, फटाफट नहीं बहन जो 40 मिनट लगे नहाने में, आज मोबाइल चला रहा था मैं। सो अभी जाते हैं जिम, तो फटाफट बताओ किस किस को भाई शेड्यूल देखना है आज का, कि तुम लोग को बोर होता है क्या होता है मेरे को मालूम नहीं, फटाफट करो मैं बताओ तो फिर शोल्डर और ट्राइसेप का वर्कआउट देखा दो, बाकी लेट हो रहा है मेरे को, फिर लेट हो रहा है अभी मंजूत का पीछे से कॉल आया था, बाय बता देना कमेंट में जब तक जिम पहुंचूं, तो फिर देखता हूं हुआ तो तुम्हारे लिए शोल्डर और ट्राइसेप का वर्कआउट भी बना दूंगा। एयरपोर्ट्स बाय भाइयों, मैं जल्दी जल्दी में आया तो अपर पहनना भूल गया, मेरी आदत है कि 2-3 एक्सरसाइज तो मैं अपर नहीं उतारता हूँ जब तक बॉडी पंप ना हो जाए, आप लोग पेस ही करना बॉडी पहले गर्म करना फिर ही निकालना उसे, तो अभी मैं फटाफट वर्कआउट निपटाता हूँ 1-2 एक्सरसाइज आपको दिखा के फिर बाहर चल के मिलता हूँ। चलो भाई उसमें सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, वेरी बैड, इसको पीटी की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, इसलिए मेरी पीटी को मेरी पीटी ले, मेरा सामान दिल तोड़वा फिर देख सेल्फ मोटिवेशन, अब देख तेरा भाई सिर्फ 3 महीने में एथलीट फिजिक बना देता हूँ, 3 से 4 महीने। Yeah. I think that I lost my mind, hours and hours spent time grinding on the things I write, fighting through the sleepy nights, and still man I'm getting screwed, haven't I paid my fucking dues, algorithms pick and choose, we're all slaves to what they do, wait, no, it's a gift, I can go from poor to rich, if you figure out the switch, to get to the top of it, I don't know, I don't care, I'm pulling out my fucking hair, I just wanna create and share, help the world become aware, you can do anything that you want to, you can be everything that you want to, I'ma teach how to cook some fondue, and blow up on shorts on YouTube. Huh? Ain't that crazy? That's what people doing daily. It ain't quick, they ain't lazy. It takes years to get that placement. And this world is fucking crazy. Man, what's been going on lately? Is this good? Yeah, amazing. Feels like a fever.
भाई साहब एक घंटा हो गया और अभी तक शोल्डर की लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। 6:45 बजे स्टार्ट किया था, 7:45 हो गए। इसका ट्राइशेप करना है, कोर ट्रेन करना है, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वर्कआउट के बाद मिलता हूँ। बहुत हालत ख़राब है, भगवान याद आ गया। हाँ ऐसे ही होता भाई मेरे साथ वर्कआउट करने से। हाँ पहले एक वीडियो बना ही दे। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. साले को मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तीस है, 35 है, सॉरी भाई का ड्रॉप सेट है, मेरा हो चुका है। गाइस सी गाइस चल रहे एक दो तीन चार पाँच छ पच्चीस 12 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ले अनलिमिटेड अनलिमिटेड ड्रॉप होने चाहिए उसके लिए, ये दूसरी वाली के लिए तो मेरा कार्ड के लिए उसके लिए। और जो वहां गई है उसका क्या? पैसे हो गया है, अब मारेंगे एप्स। हाथ पीछे रख, बैक में आर्च बना और हाथ जोड़ दे पूरे। हाँ अब सिर्फ अपर एप्स को ऊपर आते वक्त एक्सहेल कर मुंह से, सांस बाहर छोड़, मतलब गवार आराम से पूरा स्ट्रेच फील कर। हाँ तो दो टांगे तो स्ट्रांग दिख रही है, तीसरी वीक लग रही है। चल 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 जल्दी चल, प्री वर्कआउट इंट्रा वर्कआउट में मैं उसकी चैट पढ़ता हूँ मलाई चाप खा खा के।
तो भाई वो क्रंचेस में पूरा ऊपर आने की कोई नीड नहीं है, अपर एप्स को टारगेट कर रहे हैं पूरा, कोई इसमें लोअर एप्स होना नहीं वाला टारगेट, तो जितना चाहिए उतना ही ऊपर आओ, सिर्फ अपर एप्स को स्क्वीज करो खत्म, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो, ठीक है। दिखा दिया एक साइड, अभी एप्स करके वर्कआउट करके बाद मिलता हूँ। गलना ना अपने को G20, नागपुर में कुछ कुछ बना हुआ है भाई G20, बहुत अच्छी लाइटिंग वाइटिंग, वहाँ जाना। बाकी आज भाई अपने 17 मार्च बर्थडे का वो दे रहा है पार्टी, जो पिछले 2 साल से नहीं मिली, तो आज बढ़िया भाई। 2 साल से मतलब आप पिछले साल नहीं मिली, तो ये साल खाएंगे भाई। तो कितने बजे चलना है? 10:30। फिर मैं सर प्रोटीन चेक नहीं था, कैलोरीज बचानी है भाई डेफिशिएट पे, अभी कुछ नहीं खाऊंगा सर अंडे वंडे, सीधा इससे वहीं जाके पे लूँगा। 7,000 का बिल मजा नहीं लाइफ। सो भाई लोग, तुम्हारा बाबू हो गया एकदम रेडी, अभी रात के हो रहे हैं कितने, 10:30 बजे जा रहे हैं हम लोग कुछ खाने। मंजूत का जैसे बर्थडे था 17 को, लेकिन उसकी बहन का भी बर्थडे आता, तो उस दिनों बिजी था, तो हम आज जा रहे हैं कुछ खाने, बस खाने, नो पीने पाने, नो नथिंग, ओनली खाने। तो जा रहे हैं, गोल्डी जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, पीयूष जा रहा है, नीरज को भी बोला हुआ था, बाकी नीरज नहीं चल रहा, उसकी तबीयत खराब है, तो हम 4-5 लोग जो भी है चल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग बोलोंगे कि यार इसने अभी स्टार्टिंग में लगी है कैलोरी डेफिशिएट पे और ये बाहर खाना खाने जा रहा है, तो मैं समझा देता हूँ। पहले ही मैंने वर्कआउट के बाद सिर्फ प्रोटीन शेक पिया, क्योंकि मेरा मसल ब्रेकडाउन हो गया था, तो मुझे से थोड़ा रिकवर करने के थोड़ा प्रोटीन तो लगेगा। अब जब मुझे पता है कि मैं रात को बाहर जा रहा हूँ कुछ खाने, तो मैंने पहले ही कंट्रोल कर लिया, अपनी कैलोरीज कम खाया, तो मैं अभी बाहर जाके खाऊंगा। तो ये स्मार्टली प्ले हुआ ना कि भाई अगर हम कैलोरी डेफिशिएट का मतलब क्या हुआ, फैट लॉस मतलब कैलोरी डेफिशिएट पे हम क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं कि भाई हम जितनी भी कैलोरीज हमारी खाते हैं सरप्लस में, जो भी हम नॉर्मली खाते हैं, उससे 200, 300 या 400 ग्राम कम खाते हैं, तो कैलोरी डेफिशिएट हो जाता है, बात खत्म, उसी में आपका फैट लॉस हो जाता है। तो मैंने यहाँ भी अंडे चिकन जो साथ में सैलड खाता हूँ, और कभी छाछ वगैरह पी लेता हूँ, जो भी वो नहीं पिया, सिर्फ प्रोटीन शेक पिया, तो 3 घंटे से भूखा हूँ, वो भी गलत है, बट ठीक है। कभी कभी जैसे आप लोग फैमिली डिनर पर जाते हो, या कोई भी जाता है, आपका प्लान है आपके फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, तो पहले ही भाई एक मील आप अपनी स्किप कर दो, वो एक मील आप बाहर जाके खा लेना, बट वहाँ पे भी ध्यान देना कि ऑयल ऑयल कम हो, तो ऑयल ऑयल वैसे भी तुम्हारा भाई खाता नहीं है, तुमने देखे होंगे काफ़ी ब्लॉग में। तो जा रहे हैं, खाएंगे हमारे चिकन प्लेन नान, दैट्स इट, थोड़ा बहुत स्नैक्स खाएंगे, टिक्के शिक्के, सब लोग साथ में मिलेंगे, थोड़ी बहुत बकचोदी की तो दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो भी सीन रहा वहाँ चल के देखूंगा, बाकी ऐसे ही जा रहा हूँ शॉर्ट्स में, क्योंकि हम जा रहे हैं ढाबे पे, कोई रेस्टोरेंट नहीं जा रहे जो तैयार हो जाऊँ, रात का टाइम है, ढाबे पे जाएंगे, चिल करेंगे, खाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग से भी वहीं चल के मिलता हूँ, बाकी मंजोत आ रहा है मेरे घर के बाहर, गोल्डी पीयूष को लेने गया, हम चारों निकलते हैं फटाफट, फिर आपको मिलता हूँ चल के मैं। मन्नू कॉटेज कैसा लग रहा है भाई? इतनी खुशी, बता तो सही, मन्नू कॉटेज क्यों लिखा है व्लॉग में तो बता भाई। गरीब इंसान कॉटेज में रहता है, फ्लैट्स में, क्वार्टर में, गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट जॉब है इसलिए रहता है वहाँ पे, भी बहुत अच्छा है, इसको सिंपत्ति मत देना कि हाँ भाई मन्नू भाई बेचारा कॉटेज में रहता है, ऐसा नहीं है, बिजली फ्री है भाई, काटू कैसे दांत से का अबे डायरेक्ट काट देना, वैसे वाले केक है, महंगे वाले, बजट के बाहर ना भाई मेरे, आज बता तो रहा हूँ देखो। चलो भाई थैंक यू सो मच, मन्नू एबीसी, इतनी देर कैंडल नहीं जलती है भाई, महंगी है, ये खा कुत्ते, ये ले भाई चॉकलेट खाओ सब लोग, कॉटेज मैं खाऊंगा, कॉटेज मैं खाऊंगा, दिखा के खा, बोल बोल तू भी खा कॉटेज का, नहीं कॉटेज मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास खुद का घर है। ये ले हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे, ये ले खा भाई, तो हाथ पे काट रहा है, महंगी चीज खा तू, क्या है भैया ये टिक्का? टिक्का कौन सा? हैदराबादी, हैदराबाद से आया, फ्लाइट के पैसे लेंगे ये लोग। ये रोटियां क्यों लगाई हुई है फालतू? खाने के लिए वो गर्म रहता ना उससे दम लगाते हैं। तो भाई हमारे साथ है पीयूष, और पीयूष पता नहीं घाम मूत रहा है, बहन पागल है, वीडियो व्लॉग में देख रही है, पागल पागल है यार लोड़ा था, कहीं भी मूत देता है बहन चोत चूतिए, बड़े गाड़ी में मालूम चोत, मैंने क्या लौड़े, देखो रुकाया हूँ ये मत, पीयूष मत, इसकी पप्पी ले,
मेरी पप्पी लेगा झाड़ तो गले झाड़ की यार मेरी मेरी नहीं मादर तो मेरी नहीं मेरी नहीं मार अरे गोली को लेने जल्दी जा मत कर यार तो गाइस हम लोग आए हैं आइसक्रीम खाने ये भूत जा रहा है भूत कौन था तो भाइयों घर के बाहर आया G20 आज नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज भाई भाई की तरफ से भाई का बजट बहुत कम आया बिल तो आइसक्रीम भी खिलाई है भाई ने पहली बार 90 रुपए की तो घर के बाहर आ गया हूँ पहले ही खा तो G20 जाएंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में शायद चलेगा पीयूष कल पक्का दिखाएंगे कि क्या सीन है हमने भी खुद नहीं देखा नागपुर वाले होके भी तो वहाँ जाएंगे आपको भी दिखाएंगे क्या सीन है क्या नहीं बाकी फिलहाल आइसक्रीम इन्जॉय करता हूँ गोल्डी का गोल्डी की रखी है ना गोल्डी की आइसक्रीम रख ली है गोल्डी की देखो दे दे वो नहीं खाएगा मैं खा लेता हूँ गोल्डी भाई सॉरी बाकी घर जाते हैं मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन भाई जो भी बता रहा है डाइट के बारे में डाइट का नोटिस कर लो वर्कआउट चाहोगे तो नेक्स्ट वर्कआउट का स्प्लिट भी मिल जाएगा क्या सीन है क्या नहीं और नेक्स्ट वीडियो में पक्का फुल डे ऑफ ईटिंग आएगा पक्का ठीक है तो वो देख लेना बाकी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में टिल योर बॉय साइनिंग ऑफ बाय भाई तेरा करता है चिल जाने दी मैटर जो कल के थे माँ जुदा गई दुनियादारी भाई तेरा लाइफ ले रहा हल्के में अभी